सात 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 गुमरा 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 Yeah.
सात पंद्रह को देना, पंद्रह को देना, मुझे को देना। कल से लेकर कल रात गए से लेकर अब तक क्या हुआ, क्या था एयरपोर्ट पर, वो कौम जानना चाह रही है। इश्फाक भाई 20 मिनट ले गया। जी सर, रिलैक्स। इश्फाक भाई, बेसिकली आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। आप जानते हैं कि इमरान रियाज खान ने पिछले दो हफ्ते से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 पटिशन्स फाइल की। जो पहली पटिशन थे उसमें कहा कि जो साइबर क्राइम का केस तोहीने आईजी पंजाब का था, जिसको बुनियाद बना के इसका नाम PNIL PCL ECL में डाला, उसको जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद आमिर फारूक साहब दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रेट अवे सेटिसाइड किया, नाम निकाला। जो ही इमरान प्रोसीड किया एयरपोर्ट पर तो इसको रोका इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और हमने फौरी तौर पर एक और कंटेम्प्ट पटिशन फाइल की और एक और रिट पटिशन फाइल की, और उसमें भी स्ट्रेट अवे हमें यकीन था कि ये दो सिनेरियोज़ होंगे, ए ये नाम निकाल के दोबारा डाला होगा, ये नाम निकाला नहीं होगा। तो दोनों में अदालत ने दोबारा फिर समाअत की और फिर यही हुआ कि नाम निकाल के दोबारा नई बुनियाद पर डाला एंटी करप्शन के मुकदमे में। अदालत ने उसको भी बड़ा काइंडली जो सा ग्रेशियसली देखा और उस पर भी नाम रिमूव कर दिया PCL से, लेकिन एक कंडीशन जो सा डाल दी कि आप सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को जो है जाएँ और उसकी सेटिसफेक्शन के मुताबिक आप श्योरिटी दें। उसके बाद हमने देखा कि रियासती सतह पर जो वफाकी हुकूमत है उसके हीले बहाने शुरू हो गए कि सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं है, 4-5 दिन, मकसद इनका ये था कि उसको हज पर ना जाने दें। उसके बाद हमने इंट्रा कोर्ट अपील पार्शल ऑर्डर की जो है वो की कि देखें हमने कोशिश की है कि ये हम जमा कराएं श्योरिटी सिक्योरिटी ये ले नहीं रहे, तो अदालत इसको सेटिसाइड कर दे। अदालत ने फिर जो है वो कल बड़ा सख्ती से जो है वो ऑनरेबल जस्टिस मियाँ गुलहसन औरंगजेब साहब ने और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर दी ऑनरेबल जजेस ने कल बड़ा काइंडली जो है इसको देखा, और 6 घंटे अदालत जो है वो इस मसले पर 3 मरतबा लगी और फिर हुई, और 8:30 बजे रात को मोहम्मद इमरान रियाज खान को अदालत ने ऑर्डर दिया, और ये वफाकी हुकूमत से खासकर सेक्टर इंटीरियर से ये अंडरटेकिंग भी ली और ये उनको स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दी कि अब इमरान रियाज खान ने लाहौर से 3 बजे ट्रैवल करना है। देखिए, मेरी इमरान को एडवाइस ये थी कि वो इस्लामाबाद से ही ट्रैवल करें, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हज की फ़्लाइटें जो हैं उसकी इतनी लिमिटेड सीट्स हैं कि 5 फ्लाइटें इमरान ने वो करवाई हैं, और यकीन करें उसके 10 लाख रुपए जो उनसे हैं वो इस पे खर्च हुए हैं, उसने अपनी फैमिली के साथ बेगम के साथ ट्रैवल करना था, और 5 मरतबा टिकट्स कंफर्म करा के हमने कैंसिल किए, हम उन फ़्लाइट्स को अवेल नहीं कर सके। तो फिर लाहौर की हमें आखिरी फ़्लाइट जो है वो हज की अवेलेबल थी जिस पे हमने ट्रैवल करना था, इस वजह से उसको लाहौर आना पड़ा, चूँकि फ़्लाइट्स की दस्तियाबी थी ही नहीं। बहरहाल अदालत को एयरपोर्ट पहुँचे फिर क्या हुआ? हमें यकीन से, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, 100% हमें पता था कि कितने लोग वहाँ पर डिप्यूटेड हैं, उनके इरादे क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है चूँकि ये बोनाफाइड ट्रैवल था और इमरान जो है वो उसको पता था कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उसने चूंकि हज पे जाना था, 100 रुकावटें यहीं पिछले 2-3 हफ्ते में अल्लाह ताला ने मदद की, दूर की, लेकिन इन्होंने, हमें पता था रुकावटें डालनी है, तो इन्होंने रुकावट डाली, हम एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल किए। तो हमें, मुझे ये बताएं कि अगर किसी लॉ इन्फोर्समेंट ने हमें कस्टडी में लेना है तो यूनिफॉर्म पहन के हमें वैलिडली और लेजिटिमेटली क्यों नहीं कस्टडी में ले लेते? मैं यही कहता हूँ कि मोहम्मद इमरान रियाज खान ने मुझे बताएं कि कितनी मरतबा जो है वो अपनी अरेस्ट को रजिस्ट किया है, कितनी मरतबा वो एब्सकॉन्डर रहा है, कितनी मरतबा उसने नॉन कॉपरेशन की है, या कितनी मरतबा उसने जो है वो पुलिस वालों के सर फाड़े हैं या कोई उनसे झगड़ा किया या वो कभी सजा याफ्ता हो। तो आप जब ये एक नामालूम अफराद का रूप धार के सिविल अफराद सिविल कपड़ों में आते हैं, तो ये पुलिस के इदारे भी अगर आते हैं तो ये हमारी जो सिस्टर एजेंसीज है रियासत की उसको क्यों बदनाम करती है? अब आप देखें, कल से पूरे मुल्क में जो है वो एक बहुत लंबी चौड़ी लान तान का सिलसिला शुरू है कि जी नामालूम अफराद ने जो है वो उठा लिया, जबकि मैंने उधर ही रिपोर्ट किया था कि जो मोहम्मद इमरान रियाज खान है इसको SP कैंट
ऑपरेशंस लाहौर ने अपनी पूरे डिवीज़न की पुलिस के साथ मिलकर, चूँकि हम क्रिमिनल लॉ के एरिया ऑफ प्रैक्टिस में ही प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इन सबको जानते हैं, हमारी शक्लें फेमिलियर हैं, हम इनको जानते हैं, तो हमने पहले पहचान लिया सबको। और इनको मैंने बार बार कहा कि हम कतई तौर पर आपको इसकी कस्टडी उस वक्त तक नहीं लेने देंगे जब तक कि कोई यूनिफॉर्म वाले पुलिस वाले हमारे सामने ना आए और हम उनको आइडेंटिफाई ना कर लें, और आप हमें बताएं कि फलां एफआईआर में ये मतलूब है, हमें को वारंट अरेस्ट दिखाएं, बिस्मिल्लाह ले जाएं, आपने 3 दर्जन केसों में उसको घसीट लिया और ले जाएं, कोई मसला नहीं है। आपका ये अमल जो है, ये जो मैसिव रिकॉर्डेड मैसिव अब्यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, ये अब रजिस्टर हो चुका हुआ है और एक वक्त और हालात के मुताबिक इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। ये नहीं हो सकता इसकी अकाउंटेबिलिटी सूनर और लेटर ना हो, वक्त एक पहिया साइकिल घूमता है, इन्होंने बावजूद उसके एबनॉर्मली रिएक्ट किया, मेरी गाड़ी पर जोन सा इंटें मारी, एक गाड़ी के शीशे जोन सा तोड़ दिए, और सवेर जोन सा वहाँ पे ड्रामेटाइजेशन भी तोड़ दिए जी, गाड़ी के शीशे बाज़ाब्ता तौर पर तोड़े हैं, और दूसरी गाड़ी के शीशों में क्रैक्स आ गए हैं, शदीद वहाँ पे हाथापाई तू तो मैं हुई, 7-8 शदीद जदोकोब किया लोगों को, मैं तो चले किसी तक खुशकिस्मती से किसी ना किसी तरह जो है वो एजिटेट करता रहा और कोई ना कोई उसको काउंटर जो है वो मेजर लेता रहा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ पर 7-8 सहाफ़ियों के जो मोबाइल स्नैच किए गए हैं, ये बदमाशी, ये रियासती गुंडागर्दी, ये किस काम की है? क्या ये तमीज़ से अदब के दायरे में कानून के तरीके से क्या ये अरेस्ट नहीं हो सकता था? इसको करें। और ये जो अदालतों में आके आप 400-400 पुलिस वाले लगा देते हैं, से भी मोबाइल छीनने की कोशिश की गई जी, बिल्कुल शाकिर अवान साहब से भी मोबाइल जो है छीनने की कोशिश की गई, लेकिन ये अब चूंकि एक स्मार्ट कोर्ट रिपोर्टर हैं तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह जो है वो अपने आप को खुद भी बचाया और मैनेज भी किया। बहरहाल हमने देखा कि 7-8 ऐसे लोग वहाँ पर जर्नलिस्टिक कम्यूनिटी से थे, डिजिटल जो है वो जो जर्नलिस्ट हैं उनमें से लोग थे जिनसे मोबाइल छीने गए, नहीं सॉरी 8 ही हैं जी, अच्छा ये जो लोग जिनके मोबाइल जो हैं वो छीने गए हैं, ये फिर बड़ी इन अप्रोप्रिएट किस्म का बिहेवियर है। मुझे बताएं ये जो रियासती सतह पर 800 पुलिस वाले 400-400 पुलिस वाले आते हैं, 50-50 गाड़ियां लेके बख्तरमंद गाड़ी में उसको लेके फिर रहे हैं, ये किस लिए फिर रहे हैं? क्या ये एक अकेली गाड़ी में मोहम्मद इमरान रियाज खान एक इंस्पेक्टर या 4 कांस्टेबल्स के साथ यहाँ से नहीं जा सकता था? ये अदालतों को पूरा हाईजैक करना। जब वहाँ से लेकर लाहौर आए तो आपको कब पता चला कि इमरान रियाज को नश्तर क्लोनिक के मुकदमे में नामजद किया गया? इशफाक भाई, आप जानते हैं कि हमने सुबह लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज की एक रिकवरी के लिए हेबियस पिटीशन फाइल की थी, हमें पता था, खदशा ये था कि मुमकिन तौर पर ये उसको डली करेंगे, डिले करेंगे या किसी लीगल फ्रेमवर्क में लाने से गुरेज करेंगे। तो जूँ ही इनको पता लगा, सुबह 10:30 बजे पिटीशन फाइल हो गई, अब तो बल्कि अदालतों के रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इनके करिंदे बैठे और इनको फौरी रिपोर्ट करते हैं इदारों को। वो रिपोर्ट किया तो 12 बजे हमने देखा कि CCPO लाहौर जो है वो मूवमेंट हुई है और वो चीफ जस्टिस के पास आए, और फिर हमने देखा कि यकायक जो आधे घंटे में यहाँ पे प्रॉबली हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मलिक शहजाद खान, उन्होंने बड़ी प्रोएक्टिव जो है वो जुडिशरी की जो यहाँ पे इंटेग्रिटी है उसको रीस्टोर करना किया, और वो नज़र आता है कि वो एक कंक्रीट किस्म के सॉलिड मेजर्स ले रहे हैं। तो अब उनकी वो देखें ना, उसका एक जुडिशल स्क्रूटनी का या जुडिशल इनका ओवरव्यू का एक इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हुआ है। अब उसी वक्त फिर हम हाई कोर्ट में ही थे, हमारा जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक साहब के पास केस लगा हुआ था 3 बजे, बहुत अजा हमें फौरी नज़र आया कि ये इमरान को यहाँ पर मूवमेंट हुई है और चोरी छुपे जो उनसे वो ले आए हैं, ना उसको फैमिली से मुलाकात करने देते हैं, ज़बरदस्ती जो उनसे उसको अहराम उसका ज़बरदस्ती उतरवाया गया, और यहाँ पर हमें 1:30 बजे के करीब पता लगा और हम फौरी तौर पर 15 से 20 मिनट में यहाँ पर आए हैं। कितने बजे इमरान साहब को यहाँ पर पेश किया गया? यहाँ पर 1:15 से 1:30 बजे के दरमियान इमरान को पेश किया गया। अब क्या सर टाइम हो रहा है इस वक्त? इशफाक भाई तकरीबन 6:15 हो गए हैं। तो 4-5 घंटे ये हेयरिंग चलती रही है इस वक्त टोटल? सा इतना बड़ा केस था, 5 घंटे टोटल इसका टाइम था, जिसमें से तकरीबन 2 घंटे के करीब दलायल हुए हैं और 3 घंटे अदालत ने फैसला महफूज किया है। आम हालात में यहाँ पे कभी लोग समझते हैं कि जो फैसला महफूज हो जाए, अब ऐसे हालात हो गए कि शायद वो ऐसा माना जाता है गैर महफूज हो गया, लेकिन हम इस केस में इन जज साहब पे मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। अदालत को क्या बताया FIR में जो अमानत में खयानत की बात की गई? इशफाक भाई देखें, अमानत में खयानत ये होती है जिसमें अमानत, बताइएगा जो गवाह है वो कौन है और जो मुकदमे में मुदई है वो? अच्छा इशफाक भाई, एक जो शख्स हमारे सामने आया है मुदई बन के, वो PMLN का यूथ विंग का प्रेजिडेंट है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनका वो पोलिंग एजेंट भी था, और हमने एक वीडियो भी देखी है कि एक गवाह जिसको लिखा हुआ है डॉक्टर अरशद, उसकी भी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि मैं मुझे जली गवाह के तौर पर इन्होंने डाला है, मेरा इस वकूए से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी सामने आ गया। अदालत को बताया कि अमानत में कंसिड्रेशन नहीं होती, अमानत एक तरफा होती है, वो किसी एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल कंसिड्रेशन के एक्सचेंज में जो भी चीज़ होती है वो सेल और परचेज़ होती है। तो अगर मैंने कहा मनो अन भी तमाम FIR के इल्ज़ाम को आप तस्वुर कर लेना, तो तब भी ये ऑफेंस मेड आउट नहीं होता जो 406 अमानत में खयानत का। समाज जो मुदई था उसका वकील आया?
ना कोई मुदई का यहाँ पे वकील है, ना मुदई ने कोई शक्ल दिखाई है। एक शख्स के इतने पैसे चले गए हों और उसका नामो निशान ना हो, ये पाकिस्तान का ना उसका तो कोई तो वकील होना उसका ना, क्योंकि रियासत एक ऐसे बंदे के साथ खड़ी होगी जो इंटरेस्टेड ही नहीं था अपना केस परसू करने में। लॉ का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, लॉ डज नॉट हेल्प दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। तो हमारी पुलिस जो है उन मुदइयों के मुंह चूम रही है और पूरा पाकिस्तान उसने जो है वो आगे पुलिस लगा दिया उस बंदे के लिए जो घर सोया हुआ है और कभी आया भी नहीं है अदालत के सामने। तो जब इस तरह के एक संगीन किस्म के एक क्रूशल किस्म के सर्कमस्टेंसेस प्रिवेल कर रहे होंगे तो फिर आप देख लें कि हालात क्या। कमरा अदालत में पहुंचे तो आपने इमरान साहब से बात की, उन्होंने क्या बताया, रात उनको कहाँ पर रखा गया, हुआ क्या? देखें, इमरान को इन्होंने बड़ा मैल ट्रीटमेंट जो है वो किया, उससे बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती किया है। रात से लेकर अब तक जो है उसे किसी किस्म का कोई खाना जो है वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, ज़बरदस्ती उसका एहराम जो उनसे है वो उतरवाया गया। उसने जज साहब को ख़ुद वाज़े तौर पर बताया कि ये जो कारी ज़रब इन्होंने मुझे लगाई है ये रहती ज़िंदगी तक मेरे दिल से ये बात कभी नहीं जाएगी कि इन्होंने ज़बरदस्ती करके जो है वो, मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसे हालात पैदा करूँ जिसके जिसमें मेरे लिए जो है या इनके लिए कोई अनकम्फर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो। तो मुझे इस हद तक मजबूर किया गया ज़ोर ज़बरदस्ती करके कि मुझे अपना एहराम जो उनसे है वो उतारना पड़ा और कपड़े जो उनसे हैं उसको चेंज करने पड़े।